मैं जहाँ भी जाता हूँ ना ये चल के ना मेरे पीछे आ जाता है। अभी देखना यहाँ से भी आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। तो यार आज हमने जाना था एक नए कबूतर लेने के लिए, लड़के से मैंने बात की थी और उसे मैंने अभी कॉल भी किया लेकिन उसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया। तो अभी हमने जाना था उससे नए कबूतर लेने लेकिन उसका रिप्लाई अभी तक नहीं आया। जैसे ही उसका रिप्लाई आएगा ना हम उसकी तरफ जाएंगे। और आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट काम भी करना है। उस दिन आपको याद होगा मैंने बोला था कि हम अपने जो पिजन्स के एग्स हैं ना उनको शिफ्ट करेंगे, जो अंडे ख़राब होंगे उनको उठा के उनकी जगह हम, यार इसको देखें, उसकी जगह हम नए अंडे जो है ना वो रखेंगे। मतलब जो अंडे ठीक होंगे ना हम उसको किसी एक कबूतर के नीचे रख देंगे। तो अभी जो है ना मैं जल्दी से चेक करता हूँ इनके अंडे और इनके अंडों को भी चेंज करता हूँ। लेकिन हमारे जो कबूतर हैं बहुत भूखे हो रहे हैं क्योंकि इनको अभी तक सुबह की डाइट नहीं मिली। तो जल्दी से इनको मैं डाइट डालता हूँ और अपनी बच्चों वाली मुर्गी को भी बाहर निकालते हैं क्योंकि ये भी काफ़ी भूखी लग रही है। उसको पालक डाली थी मैंने लेकिन ये दाना ही खाते हैं, पालक इतनी खुशी से नहीं खाते। आ जाओ, इसको भी अभी मैंने फीड करवानी है यार। इसको थोड़ी देर पहले मैंने जो है ना गंदम खिलाई थी लेकिन ये इसका पेट बिल्कुल भी नहीं भरता, इसको बार बार भूख लग जाती है। तो अभी दोबारा से इसको मैं फीडिंग करवाता हूँ। ये देखें बिल्कुल ये मेरे पास जो है ना अच्छे से हैंड टाइम हो गया। इसको जब से मैंने खिलाना शुरू किया ना जहाँ पर मैं जाता हूँ वहीं पर मेरे पीछे आ जाता है। तो जल्दी से मैं जाता हूँ इसके लिए दाना लेके आता हूँ, फिर इन सबको दाना डालते हैं और हम जो है ना अंडों को भी शिफ्ट करते हैं। उनके अंडों को देख के ना जो अंडे ख़राब होंगे इनको साइड पे कर देंगे और अच्छे वाले जो सही अंडे होंगे उनको नीचे रख देंगे। और दाना लेके मैं आ चुका हूँ, अभी सबको दाना डालते हैं और ना बच्चों वाली मुर्गी को भी बाहर निकाल देता हूँ। ये लो भाई, टॉमी को ना मैं हाथ पे खिलाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये जो है ना अभी नहीं आ रहा मेरे पास। इधर आओ टॉमी, टॉमी आ गया, देखें जी माशाल्लाह टॉमी, ये लो यहाँ पे खाओ, यहाँ से खाओ, यहाँ से, यहाँ से, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ से खाओ। ये देखें टॉमी तो नहीं आया लेकिन मेरा ये छोटा मुन्नू आ गया। अभी देखें ये खुद नहीं खा सकता, इसको जो है ना इसका मुंह खोलना पड़ता है तब ये खा पाता है। ऐसे ये मुँह डालता रहता है लेकिन खा नहीं पाता। चलो नहीं खा सकता, अभी मैं इसको जो है ना खिलाता हूँ किसी तरह से। चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ, आ जाओ। ये देखें तो यार इसको मैंने काफ़ी खिला दिया लेकिन इसका वेट फिर भी नहीं फुल हुआ यार। अभी जल्दी से ना मैं बच्चों वाली मुर्गी को बाहर निकालता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। यार एक बच्चा हमारा जो था ना उसको हल्का सा लकवा हो गया, तो रात को मैंने उसको एक चीज़ दी थी, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा वाला है। ये वाला चूज़ है शायद, हाँ ये रात को उसको मैंने ना वो काली मिर्च होती है ना वो दिए, वो गर्म होती है जिसकी वजह से ये इनका लकवा ठीक हो जाता है। तो यार अभी माशाल्लाह ये काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से, काली मिर्च खाने के बाद इसका लकवा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। वरना ये रात को ऐसे ऐसे गर्दन ऐसे ऐसे घुमा रहा था, बिल्कुल चल भी नहीं पा रहा था। अभी देखे काफ़ी बेहतर हो गया, शाबाश निकलो। इसको निकाल के हम फिर छोटे चूज़ों को भी निकालते हैं। ये लो भाई, इन्होंने माशाल्लाह अंडा दिया हुआ है। आज जो है ना फीमेल अंडे से उठी हुई थी, शायद भूखी हो रही है इस वजह से उठ गई होगी। लेकिन अभी मैंने दाना डाल दिया, थोड़ी देर बाद ही बैठ जाएगी। और यार इसको आज़ाद भी करना है लेकिन इसके पर ही नहीं आ रहे। मैं सोच रहा था कि जल्दी से इसके पर आएंगे, हम इसको हवा में छोड़ देंगे मिशन के लिए, लेकिन इसके तो पर ही नहीं आ रहे भाई। ये मतलब जैसा हमने लाया था ना वैसा के वैसा ही है, इसका दुम भी वैसी की वैसी है, पर भी वैसी ही है। मतलब ये बड़ा नहीं कर रहा, अपनी ग्रोथ नहीं कर रहा। तो इसको अब समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे आज़ाद करूँ। अगर इसको ऐसे में छोड़ूंगा तो बाहर कवे शवे जो होंगे ना वो इसको मार लेंगे या कुछ नुकसान पहुँचाएंगे, इसलिए जो है ना हम इसका इसको या ज़िबा कर देंगे या कुछ और इसका करेंगे। आप लोग मुझे बता देना कि इससे क्या करना चाहिए हमें। इसका मतलब है यार डव काफ़ी भूखी हो रही थी, दाना डाला है, दाना खाने लग गई हैं। और यार फिंचेस की मुझे अभी तक समझ नहीं आई इन्होंने अंडे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, कुछ दिया है या नहीं। मैंने काफ़ी दिन से चेक नहीं किया और ये भी जो है ना मज़े से इतना टाइम गुजार रही हैं। इन्होंने भी कोई मतलब मुझे नहीं लग रहा कि इन्होंने कोई अंडे बच्चे दिए होंगे, लेकिन खैर हम चेक करेंगे इंशाल्लाह। अब नहीं छोड़ना है इनको, इनको लाजमी चेक करना है। तो यार अभी इनको दाना डालते हैं। ये देखें कबूतर अंदर ही फंस के दाना खा रहा है। चलो ये हमारा कमांडो कबूतर है, बहुत पुराना कबूतर है हमारे घर का। ये इसकी दुम हल्की हल्की टेढ़ी होने लग गई है, मुझे शक हो रहा है जब इनकी दुम टेढ़ी होती है तभी अंडे देने पर आई होती है, पता नहीं। ये लो खाओ, माशाल्लाह। ये अंदर जा रहे हैं यार, पता नहीं जनरेटर रखा हुआ है वहाँ पे जा रही है मुर्गी।
और बच्चे सारे यहाँ पे हैं। ये फिर मेरे पाँव में आ गया यार, इसका पेट भी नहीं फुल होता और ये भागता रहता है हर टाइम। तो यार माशाल्लाह हमारी मुर्गी बच्चों की बहुत अच्छे से केयर कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये बड़े भी हो जाएंगे और बड़े होके ना फिर ये हमारे पास अच्छी नस्ल आएगी जो मतलब जिनके हम बच्चे निकलवाया करेंगे। तो दुआ करनी है कि यार जल्दी से ये सारे बड़े हो जाएं और ये मुन्ना भी जो है ना ये भी जल्दी से बड़ा हो जाए। अभी मैं जल्दी से कलरफुल चिक्स को बाहर निकालता हूँ, इनको भी काफ़ी दिनों से बाहर नहीं निकाला तो इनको भी निकालना चाहिए। चलो आ जाओ। माशाल्लाह यार कितने छोटे छोटे हम लाए थे और इनके देखे पर कितने बड़े बड़े हो गए हैं, सही बड़े बड़े हो गए इनके साइज, यकीन नहीं आ रहा मुझे इतने बड़े बड़े हो गए। ये देखें इनके वजन से भी पता चल रहा है कि सही मतलब भैंसे बन गई हैं बड़ी बड़ी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम इनके अंडे चेक करेंगे। ये क्या हुआ यार, इसे काफ़ी मोटी होके बैठी हुई है पता नहीं। चलो खैर, अभी मैंने आपको बोला था ना कि हम इनके अंडे चेक करेंगे और जो अंडे ख़राब होंगे हम उनको फेंक के हम दूसरों के नीचे रख देंगे। तो अभी मैं जल्दी से अंडे चेक करता हूँ और जो अंडे मुझे लग रहे हैं ना कि इनमें ख़राब है ना उसको उठा के फेंक देंगे और जो ठीक होगा उसको ठीक वाले कबूतर के नीचे रख देंगे। ठीक हो गया तो मैं जल्दी से अंडे को चेक करता हूँ, पहले इनको इनमें से जो ख़राब है उसको फेंकते हैं और फिर उनको चेक करते हैं और फिर जो अंडे होंगे हम उनको उसके नीचे रखेंगे। ठीक हो गया तो जल्दी से मैं ऐसा करता हूँ। बाकी यार बजीज को मैं आपको दिखाने तो थे, वो सामने देखे एक पेयर बैठा हुआ है, सामने अंडों पे बैठा हुआ है, बच्चे बच्चे निकल रहे हैं सबके माशाल्लाह। बस यार बहुत जल्द इनके बच्चे निकल आएंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा। देखिए ज़रा फीड मैंने चूज़ों को डाली थी, सारे कबूतर ने उसके ऊपर हमला कर दिया है, खा रहे हैं अभी और ये इन्होंने भी सारी अपनी ख़त्म कर दी है, नहीं ख़त्म नहीं की, खा रहे हैं। देखिए फीमेल जाके अंडों पर बैठ गई है माशाल्लाह, ये बहुत ही अच्छे से अंडों को इनक्यूबेट कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये बच्चे भी निकाल देगी। तो मैं पहले ना इसको चेक करता हूँ कि इन अंडों में क्या है, इन अंडों में बच्चा बच्चा बन भी रहा है या नहीं, ऐसी ही मादा बैठी हुई है इनके ऊपर। मैं लाइट लगा के चेक करता हूँ। यार लाइट लगा के मैंने चेक कर ली, ये दोनों अंडे ठीक हैं। अभी इनके अंडे देखते हैं कि इनके अंडे कौन से ख़राब हैं और ठीक हैं, क्योंकि इनके दोनों अंडे जो है ना उनमें माशाल्लाह फर्टिलिटी है, उनमें बच्चा बन रहा है। टॉर्च ऑन करके मैंने इसके अंदर रख दिए, अभी फ़ीमेल को ना उठाते नहीं हैं बल्कि ऐसे ही मैं उठा के अंडों को उठा लेता हूँ, सिर्फ फीमेल को डिस्टर्ब नहीं करते। ये इसके अंदर भी माशाल्लाह देखिए बच्चा बन रहा है, इसको मैं आराम से वापस रखता हूँ। अबे मारना नहीं यार, ये फीमेल मारती भी है। और इसके अंदर भी माशाल्लाह बच्चा बन रहा है, मतलब चारों के चारों अंडे फटायल है। तो अच्छी बात होगी, मतलब मैंने जब स्टार्टिंग में चेक किए थे ना उस टाइम नए नए अंडे थे तो मुझे लग रहा था कि अंडे ख़राब होंगे, लेकिन अभी मैंने जब चेक किए तो चारों के चारों अंडे ठीक है और चारों के चारों अंडों में बच्चा बन रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अभी उनके अंडे भी चेक करेंगे, उसके एक अंडा तो ठीक था, दूसरा अंडा मैंने देखा नहीं है तो वो भी हम रात के टाइम चेक कर लेंगे। बाकी इसके चारों अंडे ठीक है और चार इंशाल्लाह बच्चे निकलेंगे इस दफ़ा। आप लोगों ने दुआ करनी कि सारे बच्चे निकल आए, ख़राब ना अंडे और इनके अंडों में से भी बच्चे निकल आए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो यार मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बच्चे सारे अंडों में हैं और अच्छा हो गया यार ये तो। अभी देखिए नर ने जैसे ही देखा ना वो भाग के अंडों पर आया, क्योंकि इसकी फीमेल बाहर निकली हुई है और बाकी वो सामने है, फीमेल वो सामने बैठी हुई है। देखिए यार कबूतर सारे मेरे जो चूज़ों की फीड थी ना वो खा गए, चूज़े बेचारे अभी शक्ल देख रहे हैं ये क्या खाएंगे। और कलरफुल चिक्स देखें इनके मुकाबले में कितने बड़े बड़े लग रहे हैं माशाल्लाह। ये देखें एक सामने, बाकी जो है ना वो इधर उधर ही होंगे, वो बाहर निकले ही नहीं है बाकी वो अंदर ही घुसे हुए हैं बेचारे। यार आज मैंने जाना था कबूतर लेने के लिए लेकिन वो लड़के ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, अभी मुर्गी ने इसको मारा और वो भाग के वहाँ पर आ गया। तो इंशाल्लाह जो है ना अब शाम के टाइम जाऊँगा, कल इसका व्लॉग आएगा तो कल इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा जो नए कबूतर हम लेके आएंगे। ये देखें जो नए कबूतर हम लेके आएंगे कल इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा, कल वाला व्लॉग आपने लाजमी देखना है। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, दो में देखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।